अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है मेरा नाम सुमेर है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव को उर्दू और हिंदी में क्या कहते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बाद हम एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बगैर टाइम जाया किए अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। लेट्स बिगन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव को उर्दू में और हिंदी में क्या कहते हैं, किन अल्फाजों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का उर्दू में मतलब होता है इसम सिफ्त। एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है That modifies noun and pronoun. Noun और pronoun को modify करने वाले अल्फाजों को adjective कहते हैं। Noun के बारे में आपको पता है किसी भी चीज, जगह या शख्स के नाम को noun कहते हैं। Pronoun ऐसे अल्फाजों को कहते हैं जो noun की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। Noun और pronoun को modify करने वाले अल्फाजों को adjective कहते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन के मीनिंग में इजाफा करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। यहां दे का मतलब है अल्फाज। कौन से अल्फाज? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी अल्फाज ही होते हैं। दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। लोगों की क्वालिटी और फीचर्स को डिस्क्राइब करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। एनिमल्स की क्वालिटी और फीचर्स को डिस्क्राइब करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। चीजों की क्वालिटी और फीचर्स को डिस्क्राइब करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। आप एग्जाम्पल्स पर तवज्जो दें, आपको समझ आ जाएगी। The boy is lazy. लड़का सुस्त है, काहल है। Lazy एक ऐसा वर्ड है जो लड़के की जो क्वालिटी है उसको जाहिर कर रहा है। इसलिए lazy क्या है? एडजेक्टिव है। इमरान खान इज एन ऑनेस्ट लीडर। इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। ऑनेस्ट क्या है? इमरान खान की क्वालिटी को जाहिर कर रहे हैं। ऑनेस्ट एक वर्ड है और यह वर्ड इमरान खान की क्वालिटी को जाहिर करता है, इसलिए ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। असद इज ए ब्यूटीफुल गाय। इस जुमले में ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जो असद की खूबी के बारे में बताता है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। लेजी, ऑनेस्ट, हैप्पी, ब्यूटीफुल, ये चार अल्फाज एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अल्फाज नाउन और प्रोनाउन की खूबी या फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी शख्स की खूबी या खामी को डिस्क्राइब करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। फीचर्स में अच्छाइयां भी आ जाती हैं और बुराइयां भी आ जाती हैं। किसी भी शख्स की खूबी या खामी को डिस्क्राइब करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एक ही बात है, आपने परेशान नहीं होना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एक ही बात है। देर आर एट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ये बात अपने जहन में रखनी है। सेकेंड टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मकदार। थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
फोर टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड एट्थ वन इज कंपाउंड एडजेक्टिव। अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड होता है दैट शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। किसी भी शख्स की क्वालिटी को जाहिर करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या किसी भी चीज की क्वालिटी को जाहिर करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें आ जाती हैं, फीचर्स में खूबियां भी आ जाती हैं और खामियां भी आ जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स में खूबियां भी आ जाती हैं और खामियां भी आ जाती हैं, मेरिट्स भी एंड डीमेरिट्स भी। ये बात आपने जहन में रखनी है, आपने माइंड में ये नहीं रखना कि सिर्फ खूबियों को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाजों को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी भी चीज की या शख्स की खामी को जाहिर करें, उन अल्फाजों को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, कराची इज ए लार्ज सिटी, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें लार्ज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। योर कार इज एक्सपेंसिव, आपकी कार महंगी है, इसमें एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तारक अली इज ए गुड टीचर, गुड इसमें क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इमरान खान इज ए ग्रेट मैन, इसमें ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज वेरी फाइन टूडे, आज मौसम बहुत सुहाना है, इसमें फाइन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इन पांच एग्जाम्पल्स में लार्ज, एक्सपेंसिव, गुड, ग्रेट, फाइन, इन अल्फाजों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी शख्स की खूबी या खामी को जाहिर करने वाले अल्फाजों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, मात्रा, ये भी अल्फाज होते हैं, दीज आर वर्ड्स, ये अल्फाज होते हैं एंड दीज वर्ड्स आर यूज टू शो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग और समवन। किसी भी चीज की मिकदार को जाहर करने के लिए जिन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है, उन अल्फाजों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। चीजों की मिकदार को जाहर करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, आप एग्जाम्पल देखें आपको समझ आ जाएगी। आई एट सम राइस, इस जुमले में सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि सम वर्ड क्वांटिटी को जाहिर करता है। इस जुमले के मुताबिक, ही शोड मच पेशेंस, उसने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसमें मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लिटल इंटेलिजेंस, वो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें थोड़ी बहुत जहानत है। ही हैज लिटल इंटेलिजेंस, वो थोड़ा बहुत जहीन फतीन है, उसमें थोड़ी बहुत जहानत है, इसमें लिटल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, मेरे काफी दोस्त हैं, इसमें मैनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसमें फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सम, मच, लिटल, मैनी, फ्यू, ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी भी चीज की मात्रा को या किसी भी चीज की मिकदार को जाहिर करने वाले अल्फाजों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इन जुमलों में सम, मच, लिटल, मैनी, फ्यू, इन अल्फाजों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव, ये बात आपने जहन में रखनी है। इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम इसका है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक ही बात है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज ए वर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक ऐसा वर्ड होता है विच शोज द नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स, इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। ऐसे अल्फाज
जो किसी भी चीज के नंबर को जाहर करें, किसी भी चीज या शख्स के नंबर को जाहर करने वाले अल्फाजों को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। आपने एक बात जहन में रखनी है कि एग्जैक्ट नंबर जाहर करने वाले अल्फाजों को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो कारें हैं। आयशा हैज थ्री किटन्स, किटन्स बिल्ली के बच्चों को कहते हैं। पिक्चर देखें आपको समझ आ जाएगी। आयशा हैज थ्री किटन्स, आयशा के पास तीन बिल्ली के बच्चे हैं। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे वीक का पहला दिन होता है, वीक का मतलब हफ्ता होता है। ही इज द फिफ्थ पर्सन इन द लाइन, कतार में या लाइन में वो पांचवा बंदा है। आई नीड फाइव आवर्स टू कंप्लीट द टास्क, काम मुकम्मल करने के लिए मुझे 5 घंटे दरकार हैं। इसमें फाइव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फाइव शोज द एग्जैक्ट नंबर। इन दीज फाइव एग्जाम्पल्स, टू थ्री फर्स्ट फिफ्थ फाइव, दीज आर वर्ड्स, दीज वर्ड्स शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ समवन और समथिंग। सो दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर को जाहर करते हैं। एग्जैक्ट नंबर को जाहर करने वाले अल्फाजों को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट वॉज डिराइव फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन एंड इज देयरफॉर कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से अकस किए जाते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले अल्फाजों को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन ऐसे अल्फाजों को कहते हैं किसी भी खास चीज, खास जगह या खास शख्स के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कायदे आजम, जैसे चाइना, जैसे आयरलैंड, जैसे मार्स, अमेरिका, इंडिया, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। और जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ना, प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव, इन अल्फाजों का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल आता है। आप एग्जांपल्स देखें आपको समझ आ जाएगी। प्रॉपर नाउन, चाइना इज ए प्रॉपर नाउन, आयरलैंड इज ए प्रॉपर नाउन, मार्स इज ए प्रॉपर नाउन, अमेरिका इज ए प्रॉपर नाउन। ऑन दी अदर हैंड, प्रॉपर एडजेक्टिव, चाइनीज इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव, आयरिश इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव, मार्शियन इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव, अमेरिकन इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे चाइना से चाइनीज, आयरलैंड से आयरिश, मार्स से मार्शियन, अमेरिका से अमेरिकन, इस तरह इंडिया से इंडियन, इस तरह पाकिस्तान से पाकिस्तानी। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है और पाकिस्तानी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव की एक और एग्जांपल है, जैसे इंडिया आ गया है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया का आई हमेशा कैपिटल आता है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन ऐसे अल्फाज होते हैं और इन अल्फाजों का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल आता है। इंडिया से इंडियन, इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है और इंडियन का आई भी कैपिटल आएगा क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, इंडियन इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे अल्फाज जो प्रॉपर नाउन से बने उन अल्फाजों को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले अल्फाजों को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, इंडियन इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव की एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं मैं। ही लिव्स इन रशिया, इसमें रशिया क्या है, प्रॉपर नाउन। रशिया से रशियन, ही ईट्स रशियन कैविया। इसकी प्रोनंसिएशन क्या है, कैविया, आर इसमें साइलेंट है। अब कैविया क्या होता है, कैविया इज ए साल्टेड एग्स ऑफ ए फिश कॉल्ड स्टर्जन। एक फिश होती है स्टर्जन,
उसके साल्टेड एग्स को कैविया कहते हैं और इसको खाते हैं, ये फूड भी है। ही ईट्स रशियन कैविया। आप पिक्चर देखें आपको अंदाजा हो जाएगा। इन दोनों जुमलों में प्रॉपर एडजेक्टिव रशियन है और प्रॉपर नाउन रशिया है। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? निशानदेही करना, इशारा करना। आप पिक्चर्स की तरफ देखें आपको समझ आ जाएगी। ये जो दो लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, ये किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और ए थिंग इज मेंट एज। किसी भी शख्स या किसी भी चीज की तरफ इशारा करने वाले अल्फाजों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आप पिक्चर देखें आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन अल्फाजों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपकी तवज्जो चाहिए, आपको समझ आ जाएगी। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हारिस। ये जो लड़का है ये हारिस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त और तवाना है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। वो लड़का क्या है? मेहनती है। दीज मैंगोज आर सॉर, ये आम खट्टे हैं। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, उन लुच्चे लफंगों को, बदमाशों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। इन एग्जाम्पल्स में दिस दैट दीज दोज, इन अल्फाजों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये अल्फाज किसी भी शख्स या चीज की तरफ इशारा करते हैं। इट विल बी नोटिस दैट दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड दीज एंड दोज आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। दीज और दोज प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेटिव का पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट आउट करना, निशानदेही करना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स विच आर यूज टू पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन्स और प्रोनाउन्स। नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जिन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है उन अल्फाजों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है उन अल्फाजों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखें। द फोर मेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर दिस दैट दीज एंड दोज। दिस दैट दीज एंड दोज, दीज आर वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर यूज टू पॉइंट आउट नाउन और प्रोनाउन। इन अल्फाजों को नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन अल्फाजों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस दैट दीज दोज, इन अल्फाजों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कुर्बत, नजदीकी या नियरनेस। कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो पास पड़ी हुई चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि दिस एंड दीस। ये दो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, इनको पास पड़ी हुई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंस, दैट एंड दोज, ये दो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इन अल्फाजों को हम दूर पड़ी हुई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। नाउन से पहले जिन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट दैट नाउन, नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए नाउन से पहले जिन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। आई नीड योर अटेंशन हियर। विच बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, कौन सी किताब आप पढ़ना चाहते हो? इसमें विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और बुक क्या है? नाउन है। नाउन से पहले
हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। व्हाट सॉन्ग इज प्लेइंग ऑन द रेडियो, रेडियो पर कौन सा गाना चल रहा है। सॉन्ग इसमें क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया, वो है व्हाट। हूज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है। पेंसिल इसमें क्या है, नाउन, नाउन से पहले हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया, वो है हूज। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन बुक सॉन्ग पेंसिल एंड फॉर्म्स ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे सवाल पूछे जाते हैं। विच, व्हाट, हूज, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं और नाउन से पहले इनको इस्तेमाल किया जाता है। आपकी तवज्जो चाहिए, आप तवज्जो दोगे आपको समझ आ जाएगी। विच बुक डू यू वांट टू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो। इसमें बुक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हमने विच यूज किया, विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट सॉन्ग इज प्लेइंग ऑन द रेडियो, रेडियो पर कौन सा गाना चल रहा है। सॉन्ग इसमें क्या है, नाउन है, सॉन्ग से पहले हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया, वो है व्हाट। हूज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है। पेंसिल इसमें नाउन है, नाउन से पहले हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया, वो है हूज। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन बुक सॉन्ग पेंसिल एंड फॉर्म्स ए क्वेश्चन। ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी मदद से नाउन के बारे में सवाल पूछा जाता है। नाउन से पहले इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है और नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इन अल्फाजों को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। विच, व्हाट, हूज, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। सेवंथ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। ऑनरशिप को जाहिर करने वाले अल्फाजों को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। ये ऐसे अल्फाज हैं जो ऑनरशिप को जाहिर करते हैं। ऑनरशिप को जाहिर करने वाले अल्फाजों को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन की मलकियत को जाहिर करें, नाउन की मलकियत को या ऑनरशिप को जाहिर करने वाले अल्फाजों को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसा कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर। अ पोसेसिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले इन अल्फाजों को यूज किया जाता है या प्रोनाउन से पहले इन अल्फाजों को यूज किया जाता है। टू शो हु और व्हाट ओन्स इट, नाउन और प्रोनाउन की ऑनरशिप को जाहिर करने के लिए जिन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है उन अल्फाजों को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये अल्फाज नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखें आपको समझ आ जाएगी। आई एम लुकिंग आफ्टर हर डॉग, मैं उसके डॉग की देखभाल कर रहा हूं। हर इसमें क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, मैं उसके डॉग की देखभाल कर रहा हूं या निगरानी कर रहा हूं। इसमें हर क्या है, यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। हे, दैट इज माई वन, ये चीज मेरी है। इसमें माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन क्या है, वन है। डॉग क्या है, नाउन है। एट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव, जैसे नाम से जाहिर है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ये अल्फाजों का एक ग्रुप होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देने वाले अल्फाजों के ग्रुप को हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। वी एड ए हाइफन बिटवीन ईच वर्ड, इन अल्फाजों के दरमियान हम क्या यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं। इन अल्फाजों के बीच में हम हाइफन यूज करते हैं। हाइफन क्या है, हाइफन एक पंक्चुएशन मार्क है, जस्ट लाइक फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क। इन अल्फाजों के ग्रुप के बीच में हम हाइफन यूज करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते।
जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं या कोई कॉलम लिखते हैं या किताब लिखते हैं इंग्लिश में, तब हमें चाहिए कि हम पंक्चुएशन मार्क्स का ख्याल रखें। जब हम पंक्चुएशन मार्क्स का ख्याल नहीं रखते ना, तब इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। वी एड ए हाइफन बिटवीन ईच वर्ड। इन अल्फाजों के ग्रुप में हम हाइफन यूज़ करते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आ जाएगी। शी इज़ वेल नाउन ऑथर। जॉन वर्क्स ए फुल टाइम जॉब। द स्टोर ऑफर्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। द कार हैज़ हाई स्पीड परफॉर्मेंस। सना इज सेल्फ मेड मिलियनियर। ही इज़ ए वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट। इन एग्जाम्पल्स में वेल नाउन क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है, और इन दो अल्फाजों के बीच में हमने हाइफन यूज किया है। फुल टाइम क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है। लो कॉस्ट कंपाउंड एडजेक्टिव है। हाई स्पीड कंपाउंड एडजेक्टिव है। सेल्फ मेड कंपाउंड एडजेक्टिव है। वर्ल्ड फेमस कंपाउंड एडजेक्टिव है। इन अल्फाजों के अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हौसले ज़रूर बुलंद होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।